Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. So guys, आज हम लोग बात करने वाले हैं पांच WWE moves जो WWE ने अभी फिलहाल as of 28 February 2021 ban किए हैं। तो गाइस पहले मूव के बारे में बात करते हैं गाइस, वो है जर्मन सुप्लेक्स। हाँ गाइस, मेरे को पता है कि ब्रॉक लेसनर अभी भी जर्मन सुप्लेक्स ये मूव यूज करते हैं, लेकिन गाइस ब्रॉक लेसनर के सिवा कोई ये मूव वापरता नहीं है। और गाइस इसका रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैन कर दिया है और ब्रॉक लेसनर को ही ये मूव यूज करने को अलाउड है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ये मूव बहुत सालों से कर रहे हैं। और गाइस ब्रॉक लेसनर तो ब्रॉक लेसनर है, WWE उनको कभी ना बोल नहीं सकती। इसलिए गाइस अभी के लिए फिलहाल जर्मन सुप्लेक्स खाली ब्रॉक लेसनर के लिए ही अलाउड है और बाकी सब सुपरस्टार्स के लिए मैन है। तो गाइस नेक्स्ट मूव आता है पाइल ड्राइवर। गाइस पाइल ड्राइवर एक ऐसा मूव है जिसमें बहुत रिस्क रहता है, और इस रिस्क के बारे में बात किया तो 1997 में ओवन हार्ट ने जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के ऊपर पाइल ड्राइवर परफॉर्म किया, तभी गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नेक ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का करियर छोटा हो गया। और गाइस तब से ही WWE ने पाइल ड्राइवर ये मूव बैन कर दिया है, और हमको बहुत रेयर ओकेजंस पे ही ये मूव दिखता है, नहीं तो नहीं भी दिखता है। फिर गाइस नेक्स्ट मूव के बारे में बात करते हैं गाइस, वो है शूटिंग स्टार प्रेस। गाइस शूटिंग स्टार प्रेस एक ऐसा मूव होता है जिसमें बहुत रिस्क होता है, और गाइस जैसे अगर इसके रिस्क के बारे में बात किया तो है ब्रॉक लेसनर ने 2002 में रेसलमेनिया के मेन इवेंट में कर्ट एंगल के ऊपर ये मूव ट्राई किया था, जिसके वजह से ब्रॉक लेसनर का नेक ब्रेक हो गया था। इसलिए गाइस 2005 से ही WWE ने ये मूव बैन कर दिया है। बिकॉज नेक्स्ट मूव के बारे में बात करते हैं गाइस, वो है रैंडी ऑर्टन का पंट किक। हाँ गाइस मेरे को पता है जून 2020 में रैंडी ऑर्टन ने पंट किक वापस लाया था, लेकिन गाइस वो खाली थोड़े ही टाइम के लिए लाया था, क्योंकि गाइस तभी के टाइम WWE टेप करती थी, जिसकी वजह से गाइस WWE ये शॉट एडिट करने में 3-4 टेक्स लेती थी, जिसकी वजह से रैंडी ऑर्टन को खाली तभी के टाइम पंट किक अलाउड था। और गाइस एज ऑफ टुडे पंट किक फिर से बैन हो गया है। फिर गाइस नेक्स्ट मूव के बारे में बात करते हैं गाइस, वो है चेयर शॉट टू द हेयर। गाइस आपने कभी देखा होगा कि कभी गाइस वो चेयर शॉट्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरस्टार्स के स्टमक नहीं तो बैक में रहते हैं, लेकिन कभी उनके हेयर पे नहीं रहता है, सर पे। बस उसका रीज़न है कि WWE ने ये मूव बैन कर दिया है, क्योंकि गाइस ये शॉट बहुत रिस्की होता है, जिसकी वजह से सुपरस्टार्स को कंक्यूजन, ब्रेन हेमरेज जैसे हार्मफुल डिजीजेस हो सकते हैं ब्रेन के रिलेटेड, जिसकी वजह से WWE ने एज ऑफ टुडे ये मूव भी बैन करके रखा है। सो बस ये थे वो पांच मूव्स जो WWE ने एज ऑफ टुडे बैन करके रखे हैं। और गाइस अगर जर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक, और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिलें।